आइए बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। देखिए क्या है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण जब दो किरणें आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर बनने वाले आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए यहां पर ये दो कोई किरणें हैं और ये आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। 1, 2, 3 और 4, ये चारों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए इनमें आपस में क्या संबंध है, कौन का कौन सा कोण किसके बराबर है और कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए इस शीर्षाभिमुख कोण के अंदर कोण एक और दो, एक और दो क्या है, एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा का एक तरफ बनने वाले पूरे कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसलिए इस तरफ देखिए कितने कोण बन रहे हैं, एक और दो, तो देखिए इन एक और दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 इनका योग कितना है, 180 डिग्री। 20 वाले कोण को हटा दीजिए तो इनका पूरा योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर देखिए अपने क्या दिया हुआ है, कोण 3 और 4 ये भी एक रेखा पर एक सर बने हुए कोण है, तो इनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 इनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिए कोण क्या 2 और 3 का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इस रेखा पर ये दोनों एक सर बने हुए कोण है, तो इसलिए इसका भी योग कितना होगा, माना कि नामकरण करता हूँ ए बी और सी और डी, तो ए बी रेखा पर एक तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और मास कोण कौन कौन से, 2 और 3। तो ध्यान दीजिए कोण 2 और कोण 3 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। आगे क्या कोण 1 और 4 का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये ए और बी के दूसरी तरफ बने हुए कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 4 का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ 1 और 2 कोणों का 180 डिग्री, 2 और 3 कोणों का योग 180 डिग्री, 3 और 4 कोणों का योग 180 डिग्री, 4 और 1 कोण का योग 180 डिग्री। अब देखिए पूरे कोणों का योग कितना होता है, पूरे कोणों का योग 360 डिग्री। अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन चारों को जब मिलाओगे तो आपका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए कौन सा कोण किस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख अर्थात आमने सामने कोण के आपस में बराबर है। बोलो कोण 1 का सामने वाला कोण कौन सा है, कोण 3, तो 1 कोण किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 किसके बराबर होगा, 4 के, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए कोण 1 किसके सामने है, जस्ट कोण 3। बोलो आपस में जितना मान कोण 1 का है उतना ही मान कितना हो, किसका होगा, कोण 3 का होगा, और कोण 2 किसके कोण के बराबर है, कोण 4 के बराबर है, यानी कोण 2 का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण 4 का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये कोण तो आपस में बोलो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है, सभी का नहीं अलग अलग। और अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो पूरे कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 9th क्लास में जो अपन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें ऐसे दिया हुआ हो सकता है कि ये दो रेखाएं हैं आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो प्रतिच्छेद बिंदु इसमें एक कोण का मान दे दिया है, माना कि मैं मानता हूँ यहाँ पर दिया है इनको 80, हाँ चलो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने मान लिया 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री। अब देखिए एक कोण से जब एक कोण अपन को दिया हो तो सारे कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अपन ने कहा था कि इसको मान लीजिए कोण 1 कोण 2, ये अपना कोण 2, ये अपना कोण 3 और ये अपना कोण 4, ऐसे करते हैं कोण 2, ये अपना कोण 3 और ये जो दिया अपन को इसको कोण 4 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए अपन ने कहा था कि ये ए बी रेखाखंड है, ये अपना
सी डी रेखाखंड है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अपन को एक तरफ कोण कितना दिया हुआ, 120। तो अपन कोण एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोण एक बराबर क्या करूंगा मैं, 180 माइनस 120, बोलो कितना आएगा इसका मान, 60 डिग्री। अर्थात कोण एक का मान अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। क्यों, अपन ने कैसे ज्ञात किया, क्योंकि पूरा दोनों का योग कितना होगा, 180, अपन को दिया कितना, 120, माइनस कर दिया तुरंत, तो उसका अपना तुरंत आंसर अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 120 तो इसके जस्ट सामने वाला कोण भी कितने का होगा, 120 का होगा। तो ध्यान दीजिए, तो कोण तीन बराबर इसके सामने वाला शीर्ष अभिमुख कोण भी कितने का है, 120 का। तो ये भी कोण बोलो कितने होगा, 120 का, यानी कोण तीन बराबर कोण स्याह बराबर है, इसलिए कोण तीन कितने का होगा, 120 का होगा। बोलो ये कोण 60 का, तो कोण दो भी कितने होगा, 60 का, यानी कोण एक बराबर कोण दो, कोण दो बोलो बराबर मान कितना होगा, 60 का होगा। ये कोण 60 का है, तो ये भी कितने होगा, 60 का होगा। तो ये अपने ज्ञात किया, ऐसे शीर्ष अभिमुख कोणों की तरह अपन आसानी से, अगर अपन को एक कोण दिया है तो चारों कोणों का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे ज्ञात करना है चारों कोणों का योग ज्ञात करना है, अगर मेरा योग 360 डिग्री होता है तो मेरा उत्तर सही है, अन्यथा मेरा उत्तर गलत भी हो सकता है। जैसे देखिए अपने इस कोण के मान ज्ञात किया, बोलो कितना मेरे पास में, 120 है। जस्ट इसके पास वाला कोण कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब देखिए 120 के जस्ट सामने वाला कोण तीन कितने का है, तो कोण तीन कितने का है, 120 का। तो ये 120 और कोण दो कितने का है, 60 का, क्योंकि एक 60 का, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण भी कितने होगा, 60 का होगा। तो ये भी हो गया 60 का। ध्यान दीजिए कितना हुआ, 60 सा 120 12 24 और 37, अर्थात अपने पास हो गया 360 डिग्री। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, सही आ गया। अब अगली बार अपन बात करते हैं आगे कि दो समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण किस प्रकार समान होते हैं और उनमें कौन कौन से नियमों के तहत अपन कोण को ज्ञात कर सकते हैं।